कि मौलाना मुफ्ती आफाक अहमद साहब रहमा इस अनोल और साहब को जवानी पे एक बहुत बड़ा एहसान है उनका, उन्होंने सुन्नियत का और मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसको हम इम्तियाज के लिए मसलक आला हजरत कहते हैं उसका उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस एहसान को उनको भुलाया नहीं जा सकता है। उसी मौसम को खिलाफ अकीदत पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ। बहरहाल उनकी जो भी खिदमात है, जो भी उनकी इस इलाके में मेहनतें हैं, अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके कब्र पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके बेटे और उनके जितने भी मुताल्लिक़ीन हैं अल्लाह ताला इन सबको सरबे जमील अता फरमाए। हम इनके साथ में हैं। जिस तरह से मुफ्ती आफाक साहब दीन की खिदमत कर रहे थे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उसी तरह से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा हम इनके साथ में, जिस तरह से उनके साथ में थे उसी तरह दीन के साथ में हैं। अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाए, आप सबको अच्छा रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिला ताकीद ये हमारी बड़ी अजीम शख्सियत जलवा फरमा है, बहुत ही मुक्तदिर और माया नाज उलमा इकराम जलवा फरोज है। अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे हुजूर शेखुल आलम पीरे तरीकत हजरत अल्लामा रईसुल खैरी साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया भी जलवाबार हैं। आप हजरात इनके रूए दावा की ज़ियारत करें। मैं बिला ताखीर इन मशाइख़ किराम सादात इज़ाम और उलमाए किराम की अजीम बारगाहों में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि इस असीम मौके पर हम सब उलमाने बहरुल इरफान की दिली तमन्ना है कि उनके शहजादगान की दस्तारबंदी अपने मुकद्दस हाथों से फरमा दें और हजरत मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला मुजद्दिदी आफाकी नक्शबंदी और उनके छोटे भाई हजरत मौलाना